जय हिंद, नमस्कार। एमबीएस की ओर से वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 19 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की ओर से जारी किया गया है। यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स बताया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट ईयर 2023, यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। पहले बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि सभी पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं, काफ़ी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी अलग अलग कैटेगरी में, ये एक शॉर्ट नोटिस है। यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको कुछ ही दिनों में मिलने वाला है। यहाँ पर आपको काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, लगभग 7,300 के करीब यहाँ पर टोटल वैकेंसीज दी गई है। लेकिन इसमें कुछ वैकेंसीज आपको डायरेक्ट मिलेगी और कुछ वैकेंसीज डिपार्टमेंटल है। सबसे पहले यहाँ पे जेई सिविल की वैकेंसीज आपको 145 वैकेंसीज डायरेक्ट है। उसके अलावा जेई एएनएम की वैकेंसीज 53 डायरेक्ट है। जेई क्यू एस एंड सी की 4 वैकेंसीज है। ड्राफ्ट्समैन की आपको 26 वैकेंसीज मिलेगी। सुपरवाइजर बीएस की 5 वैकेंसीज आपको डायरेक्ट मिलेगी। एसकेटी की वैकेंसीज है 21 वैकेंसीज आपको मिलेगी। अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज आपको डायरेक्ट मिलेगी 20 वैकेंसीज। लोअर डिवीजन क्लर्क की 174 वैकेंसीज है। उसके अलावा स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है 15 और 226 सीएमडी की वैकेंसीज है 226। एमटीएस चौकीदार और सफाई वाले की 264 वैकेंसीज है। सीएचओडब्ल्यू की वैकेंसीज है 1 वैकेंसी डायरेक्ट है। उसके अलावा 29 वैकेंसीज है मीटर रीडर की। कैन मैन की वैकेंसीज आपको मिलने वाली है 3। उसके अलावा मेट की वैकेंसी सबसे ज़्यादा यहाँ पे दी गई है 4,303 वैकेंसी। ये वैकेंसीज आपको मिलेगी कुछ ही दिनों में, डिटेल्स नोटिफिकेशन जब ये डायरेक्ट है। डीआर का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट वैकेंसी। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 7,256 वैकेंसीज टोटल दी गई है, और जिसमें कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये एक शॉर्ट नोटिस है और इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे प्रमोशनल वैकेंसी ज़्यादा हैं, जो कि डिपार्टमेंटल हैं, और कुछ ही दिनों में आपको इसका नोटिफिकेशन, डिटेल्स नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा सैलरी और क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली है, पूर्व सैनिकों की कितनी वैकेंसीज है, उससे संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इससे संबंधित डिटेल्स जब भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तब आपको हमारे चैनल पर इससे संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।